हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड के यूज़र हैं, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पर लोन कैसे ले सकते हैं, मैं इस वीडियो में लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड के बेस पे एक लोन कैसे अवेल कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि देखिए कभी कभी हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह का वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। देखिए यहां पर मेरे पास दो तीन क्रेडिट कार्ड है, मगर मैं यहां पे जो क्रेडिट कार्ड से लोन लेके दिखाने वाला हूं उसको आप ध्यान से देखिए, ताकि आपको अगर कभी प्रॉब्लम हो या पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के बेस पर लोन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हो सकता है आपके पास दूसरे किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। मेरे पास यहाँ पर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो ICICI बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है वो ओपन कर लेंगे। जैसा प्रोसेस इसमें है, सेम प्रोसेस किसी दूसरे बैंक में भी हो सकता है। तो आप जो है वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए कि अगर आपके पास ICICI बैंक का सेविंग अकाउंट है और एक क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग के पास नहीं है वो लोग भी जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी ये ऑफर मिल रहा हो तो आप कैसे इसको ले सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोसेस वगैरह जो है कभी कभी सेम ही हो सकता है सभी बैंकों का। तो चलिए देखिए यहां पर सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन ICICI बैंक का यहां पर ओपन कर लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हमने मोबाइल एप्लीकेशन पिन किया, यहां पे पिन डालने का ऑप्शन है, पिन डाल दिया, पिन डाल के लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे देख सकते हैं हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड ये है और दूसरा क्रेडिट कार्ड ये है, तो हम इस क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि इसका लिमिट ज़्यादा है, हमारा अमेज़न पे का क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, तो इस अमेज़न पे वाले कार्ड का लिमिट जो है ज़्यादा है हमारा, तो हम इसी बेस पर जो है लोन लेने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस कार्ड को मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज किया ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं यहाँ पे नीचे, तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इंस्टेंट लोन विद इन क्रेडिट कार्ड लिमिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इंस्टेंट लोन विद इट क्रेडिट कार्ड लिमिट। ठीक है, तो इसको सिंपली क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि हमें जो है लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, देखिए यहाँ पर रेस 22,000 रुपया का मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो बोल रहा है 20,000 रुपया वो डालना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर हमारा है, तो हम चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं 21,000। ठीक है, सबसे अच्छा बीच में। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का होगा कितना दिन के लिए लेना चाहते हैं, तो चलिए हम 3 महीना के लिए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 महीना के लिए सिलेक्ट किया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बता दिया कि कितना लगेगा, उसी हिसाब से यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस भी बता दिया। आपके पास रेफरल कोड है तो यहाँ पर डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद कैलकुलेट ईएमआई का ऑप्शन है, उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है पूरा लोन डिटेल्स आ गया कि 21,000 मैंने सेलेक्ट किया 3 महीने के लिए, इतना ये है टोटल जो हमारा ईएमआई बनेगा 7,182 रुपया। ठीक है, देखिए आपको ज़्यादा ज़रूरत है तभी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 182 को 3 से मल्टीप्लाई, देखिए 7 या 21 तो हो जाता है, मगर 182 × 3 करेंगे तो लगभग मतलब 500 रुपया जो है एक्स्ट्रा ले रहा है 3 महीने के लिए। तो ये अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो लीजिए, ना तो मत लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे ले सकते हैं, मैं लास्ट तक छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक OTP रिसीव होगा, तो वो OTP जो है आपके रजिस्टर नंबर पे जाएगा, जो रजिस्टर नंबर आपका मोबाइल बैंक से जुड़ा हुआ है उस पे जाएगा। हमने अपना OTP यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा, आपको इंतज़ार करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, देख सकते हैं SR नंबर इतना, डियर कस्टमर लोन अमाउंट ऑफरेज हैज़ बीन ट्रांसफर टू योर सेविंग अकाउंट नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट डिस्पैच, यानी बोल रहा है यहाँ पर कि जो है अकाउंट जितना मैंने लिया उतना जो है हमें जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम अपने अकाउंट में जाके चेक करते हैं कि हमारा अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं। चलिए होम पे चले जाते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट जाके देखते हैं, तो देख सकते हैं कि विद इन अ सेकेंड जो 21,000 रुपया हमारे अकाउंट में आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जस्ट मैंने किया, 21,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया, एकदम विद इन अ सेकेंड आ गया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मतलब विद इन अ सेकेंड जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है।